हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का चौथा पाठ पढ़ाने वाली हूँ। चौथे पाठ का नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि इनका जीवन कैसा था, इनके बचपन का समय कैसे गुजरा, इन्होंने किस तरह के कैसे कैसे कहाँ पे पढ़ाई किया, कैसे कैसे उपाधियाँ प्राप्त किए इन्होंने, और विज्ञान के क्षेत्र में भारत को सम्मान प्राप्त करवाने में इन्होंने अपना कैसे योगदान दिए हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। चलिए पढ़ते हैं। प्रस्तुत जीवनी में भारत को अणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करने वाले राष्ट्र के महान सपूत वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जीवन का लेखा जोखा है, जिनकी बदौलत हमारे राष्ट्र को आज विश्व अणु शक्ति संपन्न गिने चुने राष्ट्रों में सम्मानीय स्थान प्राप्त है। कह रहे प्रस्तुत जीवनी में, मतलब अपने जीवन में भारत को अणु शक्ति यानी अणु शक्ति से संपन्न यानी परिपूर्ण राष्ट्र बनाने में अपना इन्होंने बहुत ही कीमती सहयोग प्रदान करने वाले राष्ट्र के महान सपूत अर्थात बेटे वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जीवन का लेखा जोखा यानी आंकलन है, जिनके कारण मतलब इन्हीं के कारण हमारे देश को आज विश्व अणु शक्ति संपन्न जो अणु शक्ति से परिपूर्ण हैं ऐसे गिने चुने माने जाने देशों में सम्मानीय स्थान प्राप्त है। उनके आइए इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। प्रभात काल की सुंदर बेला थी। प्रभात काल यानी सुबह का समय था। जापान का हिरोशिमा नगर अभी रात की नींद से जागकर दिन की चहल पहल में डूबने जा रहा था। सूरज की कोमल सुनहली धूप चारों ओर धीरे धीरे बिखर रही थी। सुकुमार यानी नाजुक सुंदर बच्चे हाथ में किताबें लिए अपने टिफिन लटकाए स्कूलों की तरफ जा रहे थे। माताएं अपने अपने घर के काम में लगी हुई थी। धार्मिक स्थानों में प्रार्थनाएं चल रही थी। हिरोशिमा का सुंदर नगर एक फुलवारी सा धरती पर खिला हुआ था। उसी समय सहसा प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। आकाश सहस्त्रों बिजलियों की कौंध से भर उठा। एक करोड़ भेदी धमाका हुआ और फिर सब ओर सफ़ेद धुएं के बादल पृथ्वी से लेकर आकाश तक मंडरा उठे। पल भर में हिरोशिमा का सुंदर नगर धूल का ढेर मात्र रह गया। यह सब कैसे हुआ? बच्चों, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम दिनों में हिरोशिमा पर यह अणुबम का विस्फोट था, जिसने कुछ क्षणों में ही नगर की काया पलट दी थी। बता रहे हैं कि सुबह का समय था। जापान का हिरोशिमा नगर जो अभी रात की नींद से जागकर यानी रात ख़त्म हुआ, सुबह ही हुआ था, लोग नींद से जगे और चहल पहल में डूबने ही जा रहे थे। मतलब चहल पहल शुरू ही हुआ था। सूरज की कोमल सुनहरी धूप चारों ओर फैल रही थी। छोटे बच्चे नाजुक बच्चे हाथों में किताब लिए टिफिन लटकाए स्कूल की ओर जा रहे थे। जो माताएं थे अपने घर के काम में लगी हुई थी। धार्मिक स्थानों यानी मंदिरों में प्रार्थनाएं चल रही थी। हिरोशिमा का सुंदर नगर एक फुलवारी यानी बगिया सा धरती पर लहलहा रहा था। उसी समय अचानक सहसा यानी अचानक प्रलय का दृश्य यानी सीन उपस्थित हो गया। चारों तरफ प्रलय का वातावरण दिखाई देने लगा और आकाश में सहस्त्रों यानी सौ बिजलियों की आवाज़ से आकाश गूंज उठा और एक करड़ भेदी यानी कान को छेदता हुआ धमाका हुआ ऐसी आवाज़ आई और फिर चारों ओर सफ़ेद धुएं के बादल पृथ्वी से लेकर आकाश यानी आसमान तक फैल गया, मंडरा उठे यानी फैल गया, भर गया। पल भर में एक पल में हिरोशिमा का सुंदर नगर पूरा समाप्त हो गया, मात्र धूल का ढेर रह गया। और यह सब कैसे हुआ तो बता रहे हैं कि बच्चों, जब द्वितीय महायुद्ध हुआ था उसके अंतिम दिनों में हिरोशिमा पर यह अणु बम गिराया गया था, उसका विस्फोट था, जिसने कुछ ही पलों में कुछ ही क्षणों में नगर की पूरा रूप ही
बदल दिया, काया पलट करना है, इसका पूरा रूप ही परिवर्तित हो गया। आगे हम लोग पढ़ें, विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी। कोई भी वस्तु अपने उपयोग से ही भली या बुरी बन जाती है, और उस शक्ति का उपयोग जीवन निर्माण के लिए भी हो सकता है। और आज इसी दिशा में संसार सोच भी रहा है, और उस शक्ति का उपयोग जीवन के कल्याण के लिए किस प्रकार हो, इसी चिंता में एक भारतीय वैज्ञानिक भी लगा हुआ था, और उसने इस दिशा यानी क्षेत्र में प्रशंसनीय बड़ाई के योग्य सफलता भी पाई। इस भारतीय वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा था। कह रहे हैं कि विज्ञान अभिशाप यानी कि नुकसानदायक भी है, और वरदान अर्थात कि फायदेमंद भी है, और वो हमारे ऊपर है कि हम उसे किस तरह उपयोग करते हैं। अगर हम सही ढंग से उपयोग करते हैं तो हमारे लाभ में आता है, लेकिन अगर उसका उपयोग सही ढंग से न किया जाए तो हमें हानि भी पहुंचा सकती है। तो कह रहे अणु शक्ति का उपयोग जीवन निर्माण के लिए भी हो सकता है, और आज पूरा देश पूरा विश्व इसी दिशा में सोच भी रहा है। और अणु शक्ति का उपयोग जीवन के भलाई के लिए किस प्रकार हो, इसी चिंता में हमारे भारत के एक वैज्ञानिक भी लगे हुए थे। इसी क्षेत्र में उन्होंने एक प्रशंसनीय सफलता भी पाई, यानी बड़ाई के योग्य उन्हें कामयाबी भी मिली। और इस भारतीय वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। आगे हम डॉक्टर भाभा का जन्म बम्बई के एक पढ़े लिखे धनी मानी पारसी परिवार में 30 अक्टूबर सन 1909 को हुआ था। उनके पिता श्री जे एच भाभा बम्बई के सुप्रसिद्ध वरिष्ठरों में से थे। उन्हें बचपन में नींद नहीं आती थी, वे प्रायः रोते रहते थे, इससे उनके पिता परेशान रहते थे। यह एक चिंता का विषय था। डॉक्टरों से सलाह ली गई, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में एक उपाय काम में लाया गया। इनके सामने ग्रामोफोन बजाया जाने लगा। यह उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। ग्रामोफोन सुनकर उनका ध्यान बढ़ जाता था और उनकी रुलाई बंद रहती थी। इसका फल यह हुआ कि उन्हें संगीत से प्रेम हो गया। उनका यह संगीत प्रेम आजीवन बना रहा। उन्हें पाश्चात्य राग रागिनियों पर भी अच्छा अधिकार हो गया था। कह रहे हैं कि डॉक्टर भाभा का जन्म बम्बई के एक पढ़े लिखे धनी यानी अमीर पारसी परिवार में 30 अक्टूबर सन 1909 को हुआ था। उनके पिता जे एच भाभा बम्बई के प्रसिद्ध यानी विख्यात वरिष्ठरों में से थे, और डॉक्टर भाभा को बचपन में नींद नहीं आती थी, इसलिए उनके वो रोते रहते थे। इसलिए उनके पिता इस बात से बहुत परेशान थे, और उनके लिए एक बहुत चिंता का कारण था। उन्होंने इस विषय पर डॉक्टरों से राय भी ली, सलाह भी लिया, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और अंत में एक उपाय लाया गया। इनके सामने ग्रामोफोन बजाया जाने लगा। यह उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। ग्रामोफोन सुनकर डॉक्टर भाभा का ध्यान बढ़ जाता था और रोना बंद कर देते थे, और इसका यह परिणाम हुआ कि उन्हें संगीत से लगाव हो गया, और यह संगीत उनके जीवन में हमेशा साथ रहा जब तक जिए। और उन्हें इसके कारण से अपने देश के गीत संगीत के अलावा दूसरे देशों के भी गीत संगीत से उन्हें प्रेम हो गया, और उस पर उनकी अच्छा पकड़ हो गई, उसका ज्ञान हो गया। आगे हम पढ़ें, उनकी प्रारंभिक शिक्षा बम्बई के कैथेड्रल और जॉन कानन हाई स्कूलों में हुई। वे पढ़ने लिखने में तेज थे ही, उन्होंने 15 की आयु में ही सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उनके पिताजी उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूरोप भेजना चाहते थे, परंतु उनकी आयु यानी उम्र कम होने के कारण यह संभव नहीं हो सका। लाचार यानी मजबूर हो उन्होंने स्थानीय एलिफेस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। उसके बाद उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में दाखिल कराया गया। वहां से उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय की ISSC की परीक्षा सम्मानपूर्वक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे यहां से सबसे प्रतिभाशाली यानी प्रतिभावान जो प्रतिभा से युक्त हो विद्यार्थियों में से एक थे।
उसमें बता रहे हैं कि उनकी प्रारंभिक शुरुआत की शिक्षा बम्बई के कैथेड्रल और जॉन कानन हाई स्कूलों में हुई और वे पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा पास कर ली थी। उनके पिताजी ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए यानी आगे की पढ़ाई करने के लिए यूरोप भेजना चाहते थे, लेकिन उनकी आयु कम होने के कारण यह आसान न हो सका और उनके पिताजी मजबूर होकर जहाँ रहते थे वहीं पर एलिफेंस्टन कॉलेज में इनका नामांकन करवा दिया, दाखिला दिलवा दिए। उसके बाद इन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में नामांकन कराया गया, प्रवेश किया कराया गया और वहाँ से उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से ISSC की परीक्षा सम्मानपूर्वक पहले स्थान पर पास किया और ये सबसे प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी थे उनमें से ये एक भी थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब वे कैम्ब्रिज के गोनविल एंड केएस कॉलेज में पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ इंजीनियरिंग की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर उन्होंने अपनी असाधारण यानी अद्भुत प्रतिभा यानी प्रतियोग्यता का परिचय दिया। इस परीक्षा में परीक्षार्थी को 6 विषयों में से केवल 3 विषयों की परीक्षा देनी होती थी, परंतु उन्होंने सभी विषयों की परीक्षा दी और सबसे उच्च यानी सबसे अच्छा अंक प्राप्त किए। बता रहे हैं कि अब जब इन्होंने SSC की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो उन्हें अब कैम्ब्रिज के गोनविल एंड केएस कॉलेज में पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा गया और वहाँ गए। वहाँ पर इंजीनियरिंग की परीक्षाएं पास कर उन्होंने अपनी असाधारण यानी अद्भुत प्रतिभा का योग्यता का उन्होंने पहचान दिया, परिचय दिया। इस परीक्षा में परीक्षार्थियों को 6 विषयों में से केवल 3 विषयों की परीक्षा देनी होती थी, लेकिन इन्होंने 6 विषय की परीक्षा दी और सबसे अधिक अंक प्राप्त इन्होंने किया। पुणे इंजीनियरिंग के साथ साथ गणित और भौतिक विज्ञान से भी अत्यधिक प्रेम था। इन विषयों के अध्ययन के लिए वे कैम्ब्रिज के केएस कॉलेज में सन 1930 में प्रविष्ट यानी दाखिल हुए। यहाँ उन्हें 2 वर्ष के लिए विशेष छात्रवृत्ति मिल गई। छात्रवृत्ति यानी सरकार द्वारा दिया गया एक धनराशि जिसे स्कॉलरशिप भी कहते हैं इंग्लिश में। कैम्ब्रिज में पढ़ते समय ही उन्हें यूरोप के विभिन्न देशों में जाकर विद्युत एवं चुंबक संबंधी साधारण बातों के अतिरिक्त कॉस्मिक किरण की मौलिक खोजों के संबंध में भाषण यानी ज्ञान देने का अवसर मिला था। कॉस्मिक यानी ब्रह्मांडीय के बारे में बताना। तो कह रहे हैं कि इन भाषणों के फलस्वरूप इनकी ख्याति फैलने लगी। बता रहे कि इन्होंने इंजीनियरिंग के साथ साथ इन्हें गणित और भौतिक विज्ञान से भी बहुत अत्यधिक लगाव था, प्रेम था। इन विषयों के पढ़ाई के लिए वे कैम्ब्रिज के केएस कॉलेज में सन 1930 में दाखिला लिए और यहाँ उन्हें 2 वर्ष के लिए विशेष छात्रवृत्ति मिल गई। कैम्ब्रिज में पढ़ते समय ही उन्हें यूरोप के अलग अलग देशों में जाकर विद्युत और चुंबक संबंधी साधारण बातों के अतिरिक्त कॉस्मिक किरण की मौलिक खोजों के अनुसंधानों के संबंध में ज्ञान देने का अवसर यानी मौका प्राप्त हुआ, जिसके कारण से इनके भाषण देने कारण से इनकी प्रसिद्धि फैलने लगी। इन्हें लोग दूसरे देशों में भी जानने लगे। आगे पढ़ेंगे। सन 1932 में उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज से उच्च गणित का अध्ययन करने के लिए भी एक छात्रवृत्ति मिल गई। इससे उन्हें यूरोप के कई देशों की सैर यानी घूमने का अवसर मिला। इस छात्रवृत्ति के समाप्त होने पर उन्हें सन 1934 में 3 वर्ष के लिए सर आइजेक न्यूटन छात्रवृत्ति और उसके समाप्त होने पर सन 1937 में 3 वर्ष के लिए एक अन्य छात्रवृत्ति दी गई। इस बीच सन 1941 में उन्हें कैंटो में PhD की उपाधि यानी पदवी भी मिली। करें कि इनकी ख्याति जब धीरे धीरे फैलने लगी। सन 1932 में इन्हें
ट्रिनिटी कॉलेज में उच्च गणित का अध्ययन करने के लिए एक छात्रवृत्ति मिल गई। इससे उन्हें छात्रवृत्ति मिलने से कई देशों में घूमने का मौका मिला। इस छात्रवृत्ति के समाप्त यानी ख़त्म होने पर इन्हें फिर 1934 में 3 साल के लिए एक आइजैक न्यूटन छात्रवृत्ति मिली और उसके समाप्त होने पर 1937 में 3 वर्ष के लिए एक दूसरी अन्य छात्रवृत्ति दी गई। इसी बीच 1941 में उन्हें कैंटो में पीएचडी की पदवी भी मिली। आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार अपनी शिक्षा एवं अध्ययन समाप्त कर वे सन 1940 में भारत लौट आए। उसी वर्ष वे भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर के रीडर नियुक्त हो गए। इसके बाद वे कॉस्मिक किरण संशोधन केंद्र में प्रोफेसर बनाए गए। वहां उन्होंने 3 वर्ष के तक कार्य किया। इसी बीच सन 1942 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम्स पुरस्कार मिला और सन 1941 में ये कॉस्मिक किरणों के अनुसंधान के फलस्वरूप कॉस्मिक किरणों यानी ब्रह्मांडी किरणों के खोजों के फलस्वरूप लंदन की रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए थे। बता रहे कि इस प्रकार जब अपनी शिक्षा एवं अध्ययन समाप्त कर लिए तो 1940 में भारत वापस आए। उसी वर्ष भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर के रीडर नियुक्त किए गए। इसके बाद वे कॉस्मिक किरण संशोधन केंद्र में प्रोफेसर बनाए गए और वहाँ इन्होंने 3 वर्ष तक काम किया। इसी बीच 1942 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम्स पुरस्कार मिला और 1941 में कॉस्मिक किरण के अनुसंधान यानी खोजों के परिणाम स्वरूप इन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी के फेलो नियुक्त किए गए, इन्हें चुना गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब तक डॉक्टर भाभा का देश विदेश में काफ़ी नाम हो चुका था। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने DSSC की उपाधि प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। ये सन 1951 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और भारत सरकार ने सन 1954 में उन्हें पद्म विभूषण की पदवी से अलंकृत यानी सम्मानित किया। पद्म भूषण यानी सरकार भारत सरकार के 3 सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक। उसी वर्ष वे अणुशक्ति के निर्माण का उपयोग के सिलसिले में जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष चुने गए थे। कह रहे हैं कि अब डॉक्टर भाभा देश विदेश में काफ़ी नाम कमा चुके थे, उनका बहुत नाम हो चुका था, प्रसिद्ध हो चुके थे और अलग अलग विश्वविद्यालयों ने DSSC की उपाधि प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। 1951 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और भारत सरकार ने इन्हें 1954 में पद्म विभूषण की पदवी से अलंकृत यानी सम्मानित किया और उसी वर्ष वे अणुशक्ति के निर्माण का उपयोग के सिलसिले में जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष चुने गए थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे। उनके मस्तिष्क में अणुशक्ति को निर्माण कार्य में उपयोग करने की बात जमी हुई थी। उनके अनुरोध पर बंबई में सर दोरा टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना की गई। इसके बाद उन्हें बेंगलोर छोड़ दिया और रिसर्च संस्था से डॉक्टरेट होकर बंबई आ गए। कह रहे हैं कि उनके मस्तिष्क यानी दिमाग में अणुशक्ति को निर्माण कार्यों में उपयोग लाने की बात बैठ गई थी और उनके प्रार्थना पर मुंबई में सर दोरा टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना की गई बनाया गया। इसके बाद उन्होंने बेंगलोर छोड़ दिया और रिसर्च संस्था के डॉक्टरेट होकर बंबई में आगे उन्होंने अपना सुझाव यानी सलाह प्रस्तुत करते हुए ट्रस्ट को लिखा था, इस संस्था को मैं स्थापित कर मैं भौतिक विज्ञान का एक सर्वोत्कृष्ट यानी उच्च स्तर का स्कूल चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कार्यों के लिए भारत को दूसरों का मुंह न ताकना पड़े यानी दूसरे पर आश्रित न होना पड़े।
इस संस्था से प्रति वर्ष प्रशिक्षित वैज्ञानिक निकल रहे हैं। इसका श्रेय यानी यश डॉक्टर भाभा को ही है। उनका भारतीय वैज्ञानिक जीवन मुख्य रूप से यहाँ से ही प्रारंभ अर्थात शुरू हुआ। बता रहे हैं कि डॉक्टर भाभा ने अपना सुझाव देते हुए ट्रस्ट को लिखा कि इस संस्था को मैं स्थापित कर मैं भौतिक विज्ञान का एक सर्वोत्कृष्ट यानी उच्च स्तर का स्कूल चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कामों के लिए भारत को दूसरों का मुंह न ताकना पड़े अर्थात दूसरों पर आश्रित न होना पड़े। और ये जो संस्था है इस संस्था से हर एक वर्ष प्रशिक्षित वैज्ञानिक निकल रहे हैं और इसका श्रेय यश डॉक्टर भाभा को ही है। और उनका भारतीय वैज्ञानिक जीवन जो है मुख्य रूप से यहीं से शुरू हुआ था। आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत एटॉमिक एनर्जी एक्ट सन 1948 में बना और डॉक्टर भाभा को अणु शक्ति कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बाद में वे भारत सरकार के अणु शक्ति विभाग के सचिव के साथ साथ अणु शक्ति शोध संस्थान ट्रांबे के संचालक का भी काम देखते थे। ट्रांबे का अणु शक्ति उन केंद्र उनके एक महान कृति है यानी कार्य है। इसके निर्माण से भारत की वैज्ञानिक प्रगति यानी विकास का रास्ता खुल गया। आज ट्रांबे के इस संस्था में लगभग 8000 वैज्ञानिक हैं जिनमें लगभग 2000 वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्नातक भी शामिल है। आज यह केंद्र सरकार के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक है। बता रहे कि भारत एटॉमिक एनर्जी एक्ट सन 1948 में बना। डॉक्टर भाभा को अणु शक्ति कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बाद में वे भारत सरकार के अणु शक्ति विभाग के सचिव के साथ साथ अणु शक्ति शोध संस्था ट्रांबे के संचालक का भी काम देखते थे। ट्रांबे का अणु शक्ति केंद्र उनकी एक महान कार्य है और इसके निर्माण से भारत के जो विज्ञान का रास्ता है वो विकास मार्ग खुल गया। आज ट्रांबे के इस संस्थान में लगभग 8000 वैज्ञानिक हैं जिनमें लगभग 2000 वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्नातक भी शामिल है। और यह केंद्र सरकार संसार के सर्वश्रेष्ठ सभी वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर भाभा सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक होने के साथ साथ संगीत प्रेमी तो थे ही। उन्हें नृत्य कला एवं चित्रकला में भी बचपन से ही रुचि थी यानी पसंद था। उन्हें भारतीय तथा पाश्चात्य नृत्य देखने में उन्हें समान आनंद आता था। उनके माता पिता ही इन्हें बचपन में चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित यानी बढ़ावा दिया करते थे। एक बार इन्होंने अपनी गौशाला की गाय और बछड़े का चित्र बनाया। चित्र बहुत ही सुंदर था। लोगों ने उसकी सराहना की। बता रहे हैं कि डॉक्टर भाभा सुप्रसिद्ध यानी बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक होने के साथ साथ संगीत प्रेमी थे। इन्हें संगीत से भी प्रेम था और उसके साथ इन्हें नृत्य कला और चित्रकला में भी बचपन से ही रुचि थी। उनमें उसमें भी आनंद आता था और इन्हें भारतीय गीत संगीत के अलावा नृत्य के अलावा पश्चिमी नृत्य देखने में भी एक जैसा आनंद आता था। चाहे भारत का नृत्य या पश्चिमी देशों का दूसरे विदेशियों का नृत्य हो उनमें एक समान आनंद आता था। उन्हें अच्छा लगता था। उनके माता पिता इन्हें बचपन में ही चित्र बनाने के लिए बढ़ावा दिया करते थे। और इन्होंने एक बार अपने गौशाला यानी जहाँ गाय बांधी जाती उसके गौशाले में गाय और बछड़े का इन्होंने चित्र बनाया और चित्र बहुत सुंदर था, अच्छा था, जिसे देखकर लोगों ने उनकी बड़ाई की थी, सराहना यानी बड़ाई करना। आगे पढ़ेंगे एक प्रसिद्ध चित्रकार ने तो उसे देखकर कहा था यह बालक एक दिन एक महान कलाकार बनेगा। उसके बाद उन्हें ड्राइंग और चित्रकला की शिक्षा दिलाई गई। बाद में उन्होंने विदेश भ्रमण के समय अनेक कलाकारों से भेंट की और अपनी कला को विकसित किया। इंग्लैंड के प्रसिद्ध चित्रकार ने उनकी कला को देखकर उनसे कहा था कि आप चित्रकला को भी अपने जीवन का अंग बनाएं। उनकी कलात्मक रुचि का ही परिणाम है कि
ट्रॉम्बे की अणु शक्ति संस्था ने बगीचा एवं पौधों की सज्जा सौंदर्यपूर्ण एवं कलापूर्ण दिखाई देती है। टाटा इंस्टीट्यूट की गैलरियों तथा कमरों में सजे चित्र एवं वहां के उपवनी बगीचा उनकी वैज्ञानिकता एवं कलात्मकता के सुंदर संगम हैं। कह रहे हैं कि जब चित्र बनाते थे उनके चित्र को देखकर एक प्रसिद्ध चित्रकार ने कहा कि यह एक दिन महान कलाकार बनेंगे, और उसके बाद ड्राइंग और चित्रकला की शिक्षा इनको दिलाई गई। बाद में इन्होंने देश विदेश में भ्रमण यानी घूमने के समय अनेक कलाकारों से ये मिले और अपनी कला को बढ़ाया, विकसित किया। और इंग्लैंड के प्रसिद्ध चित्रकार ने उनकी कला को देखकर उनसे कहा था कि आप चित्रकला को भी अपने जीवन का अंग बनाएं, उसे भी महत्व दें। उनकी कलात्मक रुचि का ही परिणाम इन्होंने कला चित्रकला में जो उनको रुचि थी उसका परिणाम है कि ट्रॉम्बे की अणु शक्ति संस्थान जो है उसमें बगीचा पौधों की सज्जा सौंदर्यपूर्ण बहुत अच्छी तरह से कलापूर्ण दिखाई देती है। टाटा इंस्टीट्यूट की गैलरियों जो गलियां हैं तथा कमरों में सजे चित्र एवं वहां के जो बगीचे हैं उनकी वैज्ञानिकता एवं कला का सुंदर संगम है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। डॉक्टर भाभा का जीवन अत्यंत यानी बहुत ही सरल, आसान एवं उदार था, मतलब दयालु थे। वे सदा दूसरों को बढ़ावा अर्थात प्रोत्साहन देते रहते थे और उन्हें भरपूर सहायता भी। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े। अपने शिष्यों को वे यही सलाह देते थे कि वे इस दिशा में अपनी पूरी शक्ति यानी सामर्थ्य से काम करें। डॉक्टर भाभा का जीवन करें बहुत ही सरल एवं बहुत दयालु थे वे, और हमेशा वो दूसरों को बढ़ावा देते रहते थे और भरपूर सहायता भी करते थे उनकी। और उनकी मात्र एक ही इच्छा थी कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में आगे जाए, और अपने शिष्यों को छात्रों को यही राय देते थे कि वे विज्ञान के क्षेत्र में अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य से काम करें। आगे पढ़ेंगे। 24 फरवरी सन 1966 का दुर्भाग्यपूर्ण दिन यानी बहुत ही खराब दिन था, बुरा दिन था। भारतीय विमान सेवा का कंचनजंगा नामक जेट बम्बई से जिनेवा जा रहा था। उस समय उसमें डॉक्टर भाभा को मिलाकर 117 यात्री थे। पश्चिमी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक के ऊपर घना कोहरा छाया हुआ था। विमान वहीं टकरा कर नष्ट हो गया और भारतीय विज्ञान जगत का वह जाजल्यमान नक्षत्र बुझ गया। कह रहे हैं कि 24 फरवरी 1966 का दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, बहुत ही खराब दिन था। भारतीय विमान सेवा का कंचनजंगा नामक जेट बम्बई से जिनेवा जा रहा था। उस समय डॉक्टर भाभा भी उसमें सवार थे। उनको मिलाकर 117 यात्री थे। पश्चिम यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक के ऊपर घना कोहरा छाया हुआ था, धुंध यानी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं पर विमान उससे टकरा कर नष्ट हो गया। भारतीय विज्ञान जगत का जो जाज्वल्यमान यानी ज्वाला की तरह चमकने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा का जीवन वहीं पर समाप्त हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे। डॉक्टर भाभा की मृत्यु से राष्ट्र को ही नहीं विश्व को एक बहुत महान यानी बहुत बड़ी नुकसान पहुंची, क्षति यानी नुकसान वे अब नहीं हैं, परंतु उन्होंने विज्ञान जगत को जो अमूल्य भेंट दी है वह भावी वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन के रूप में अमर रहेगी। कह रहे हैं कि डॉक्टर भाभा की मृत्यु से भारत को ही नहीं पूरे विश्व को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अभी वे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में जो अमूल्य जिसका कोई मूल्य नहीं ऐसा उपहार दिए हैं कि आने वाले वैज्ञानिकों के लिए मार्गदर्शन यानी रास्ता दिखाने वाले के रूप में वो हमेशा लोगों के दिलों में अमर रहेंगे, लोगों के बीच में। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है। इस पाठ को आप लोग एक से दो बार सुनिएगा और समझिएगा, और इससे संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे तो आपको उसका उत्तर लिखना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।